नहीं खिलाना है। तो भाई ये है सेकेंड डे फर्स्ट ब्लॉग। शक्ल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही होगी पता, बट मैं जा रहा हूँ रॉस आइलैंड, जिसको अब जाना जाता है नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड के नाम से, क्योंकि उसको रीनेम कर दिया गया है, बट अभी भी फॉर टूरिस्ट उसी नाम से फेमस है रॉस आइलैंड। बट नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जा रहे हैं वहाँ पे घूमने को। वो बेसिकली हेडक्वार्टर था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स के सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टेनिस कोर्ट, जिम खाना, उनके ऑफिस, उनके पंखे, सारा कुछ वहीं था। और वहाँ से ऑर्डर पास किए जाते थे काला पानी के और कंस्ट्रक्शन के और सारे के सारे एक्सटॉर्शन जो किए जाते थे लोगों के, एक्सटॉर्शन से टॉर्चर जो किया जाता था। तो वहाँ जाके वीडियो बनाएंगे, वहाँ का पूरा दर्शन आपको कराएंगे। सुनने में आया है कि वहाँ पे हिरण भी है, खरगोश भी है। तो बैग जो पीछे आप देख रहे हो मेरे, काफ़ी तैयारी के साथ जाना पड़ रहा है, ये बैग दिख रहा है काफ़ी तैयारी। इसके अंदर ब्रेड है, कुछ कपड़े हैं क्योंकि मैं स्कूबा डाइव करने वाला हूँ और सी वॉकिंग करने वाला हूँ, जो कि आपको अगले ब्लॉग में दिखाई देगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना जितना ज़्यादा हो सके। और एक बार एक व्यू दिखाता हूँ जहाँ पर मैं अभी अपनी बोट का वेट कर रहा हूँ। This is the view. अब ऑडियो हो सकता है थोड़ा उतना अच्छा ना रहे इस ब्लॉग में, ये ऑब्वियसली पानी का शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। As you can see, जेट स्की का भी ऑप्शन है, इनकेस यू वांट टू जेट स्की, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो जैसे कि मैंने बोला एक घंटे का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड का ट्रिप है। वहाँ से फिर दो एक घंटे लगेंगे नॉर्थ आइलैंड जाने, मतलब नॉर्थ आइलैंड में वहाँ पे दो घंटे बिताऊँगा स्कूबा डाइव और बाकी चीज़ें करके। सो वीडियो को देखते रहो और अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। अब आ गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, जैसे कि आपको दिख रहा है NCSB द्वीप, NCB नहीं NS है, NSCB। अभी देखो एक खतरनाक सी चीज दिखाता हूँ एंट्री के ऊपर ही, ठीक है? तो बेसिकली तीन सालों के लिए, अगर आपको ध्यान हो, अंडमान निकोबार जो है जापान के अंतर्गत था, यानी कि कंट्रोल में था 42 से 45 के बीच में। अंदर गोलियां वोलियां चलाते होंगे यहाँ से, तोपे वोपे रख के जो भी। और ये व्यू, द वाटर इज फ्रिकिंग ऑसम। और वो रहा झंडा ऊंचा गली तुम्हारा, चलो चलते हैं। हेलो भैया, एंट्री इधर से ही है? हाँ, आइए सर, आइए। वन टिकट बॉस, वन। ₹50 का यहाँ पे विजिटर टिकट है, फेरी जो है ₹770 की, जो आपको 10-seater फेरी है, 10 लोग एक साथ बैठ के आते हैं उसके अंदर, और ₹770 लगते हैं पर पर्सन। तो ₹770 वो, ₹50 वो, ₹880 आइलैंड में
एंटर करने का। थैंक यू। पर आपको गाड़ी में आप गाड़ी में भी जाएंगे, गाड़ी में भी आप घूम सकते हैं, गाड़ी में जाएगा तो कोई हाईएस्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे आपको और चीजों को दिखाएंगे। पर इसके पहले हम जो करने के लिए आए हैं हम वो करेंगे, यानी कि हिरन को खाना खिलाएंगे। आराम से हिरन घूम रहे, देखो इधर है नहीं मजे जिंदगी के। अब मैं तुम लोगों को हिरन को खाना खा के दिला दिखाता हूँ। आते हुए रास्ते में मैंने ब्रेड के पैकेट खरीदे थे, मुझे मेरे ड्राइवर भाई ने बोला था कि भैया यहाँ पे रैबिट्स भी होते हैं, हिरन भी होते हैं, तो इनको आप खाना खिला सकते हो। तो हिरन जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, उनको हमने खाना खिलाने वाला हूँ। रैबिट जब दिखेगा तब दिखेगा, बट शुरुआत हिरन से करते हैं। ये रहा ब्रेड का पैकेट, तो ये आप देख पा रहे हैं। नहीं खिलाना है, ये बोले नहीं खिलाना। क्या करूं, वो कह रहे नहीं खिलाना। इसको नहीं छूने का अभी। अब लोग कह रहे हैं यहाँ पे इनको नहीं खिलाने के लिए, मुझे मेरे भाई ने बोला कि खिला सकते हो, ठीक है, पता कुछ नहीं है, ओए मारने का नहीं है। तो अभी मुझे मेरे ड्राइवर भाई ने बोला था कि खिला सकते हो इनको, और बाहर जैसे मैं खिलाने लगा तो कुछ लोगों ने बोला, स्टाफ ने, सर नहीं खिलाने का है, फाइन दे देगा, फाइन दे देगा। तो मैं और हिरन मेरे पीछे पड़ गए भाई, एक ने तो मुझे सिंग मारे भाई, और दे करके। तो अभी मैं चुपचाप से कॉर्नर में जा रहा हूँ और इनको चुपके से खिलाने की कोशिश करूँगा। तो मैं घूम रहा हूँ ऐसे रैंडमली, 11:45 का टाइम दिया है वापसी का, एक घंटे में, तो 11:45 वापस जाएंगे। पर तब तक घूम रहा हूँ मैं, ये देख लो व्यू, अरे पेड़ है भाई, आइलैंड है ऑब्वियसली, तो पेड़ तो ये प्रिंटिंग प्रेस, आओ दिखाता हूँ तुम्हें, ये मैंने सुन लिया, तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, छपाई का ना पहला प्रिंटिंग प्रेस। देख पा रहे हो तो थम्स अप कर दो, हालत देख लो प्रिंटिंग प्रेस की। कोई नहीं,
समय बीतने के बाद ऐसा ही होता है। कहाँ आया, किसके पास आया? बीवी की याद आ रही है ना? घर जाके बीवी झाड़ू मरवाएगी, बात तो एक ही है। फिर से खिलाने की कोशिश करता हूँ भाई। हमें डीट, हमको कोई कुछ भी बोल दे हम नहीं करते। अब देखो कुछ गंदी चीज़ तो खिला नहीं जाता कि प्लास्टिक खिला रहे, उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैंने हिरन को चुपके से साइड में जाके, बहुत सारे हैं हर जगह घूमते ही रह रहे हैं, ताकि एक पैकेट तो ख़त्म कर दिया, दो पैकेट लाए हमें ब्रेड के, तो एक तो ख़त्म कर दिया मैंने। अब हाथ में मैं लेके घूम रहा हूँ अपने ब्रेड का पैकेट, जो कि मैं फेंक नहीं रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली प्लास्टिक फेंकना नहीं चाहिए। हालाँकि ये यहाँ पर दिख गया मुझे एक, बट कुछ बेशरम लोग होते हैं जो फेंक देते हैं। अब मुझे सामने डस्टबिन दिख रहा है, उस डस्टबिन के अंदर फेंक दूंगा मैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी जी। ठीक है, ये रहा डस्टबिन, इसके अंदर मैंने पैकेट फेंक दिया और अपना कर्तव्य निभा दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे आए भाई, धरोहर को पहचानो, द्वार पालो और इज्जत करो। अभी मेरे पैकेट में, बैग में एक पैकेट और है ब्रेड का, जो कि मैं खरगोश मिलेंगे तो उनको खिलाऊंगा चुपके से। अब पीछे मुझे किसी ने बोला था कार्ट ले लो हाई टॉप पे घुमाने के लिए, आई थिंक ले लेना चाहिए भाई, क्योंकि गर्मी बहुत है और रास्ता जो है बड़ा मुश्किल सा है। तो आई थिंक आई विल टेक अ कार्ट, थोड़ा इजी हो जाएगा जाने को। तो चल लेते हैं 450, छोटा गाड़ी चलें। किधर बैठो, आगे पीछे? आगे बैठते हैं यार, पीछे बैठ के क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे पीछे, आप भी बोर हम भी बोर, क्या फायदा। मुझे उधर बोला कि हिरन को खिला सकते हैं, तो मैं लेके आ गया ब्रेड। वो ऐसे बोल देता, तो बहुत पहले से मना है सर फीडिंग। फिर मैं यहाँ पे आया तो मना कर रहे हैं, कार्ड ढूंढ लेते हैं, कॉर्नर ढूंढ लेते हैं। खरगोश की जिंदगी, कितना बड़ा है लेने भैया? 60 एकड़। सुनिए सर, ये जो लेफ्ट साइड जो पुराना बिल्डिंग दिख रहा है, ये तो आपका पेंटिंग पर ऐसा छपाई बना, खंडर हो चुका है, और ठीक उसके बाजू में सब पावर हाउस है, तो वो भी खंडर हो चुका है। सामने जो एक बिल्डिंग दिख रहे हैं आप, ये आपका बेकरी था, इसका बेकरी खंडर नहीं हुआ, इसका रेनोवेट किया, बोलने से लाइट एंड साउंड शो होते थे यहाँ पर। अच्छा, उसमें क्या दिखाते हैं? इसकी आइलैंड का मिस्ट्री बताते, ब्रिटिश कैसा आया था, पता नहीं, बेकरी करके दिखाते होंगे, मुझे लगा बेकरी करके दिखाते होंगे, केक बना के। क्यों बोलने से, अंडमान निकोबार का फर्स्ट कैपिटल था ना आइलैंड, इसी का मिस्ट्री बताते सर। ये कर्नल का घर था, ऊपर इधर कर्नल एडिसन जो सप्लाई ऑफिसर था उसका निवास था सर, वो भी खंडर हो गया। छोटा ही घर था उसका, तो है ना, ज्यादा बड़ा नहीं था, पॉपुलेशन में कम था। क्या हाल है भैया? यहाँ तो 12 महीने यही मौसम रहता होगा ना, ऐसा ही गर्मी, बरसात का टाइम तो गर्मी ही रहता। ये क्या है? ये जो राइट साइड जो पुराना बिल्डिंग दिख रहे सर, ये तो आपका क्लब का सबोर्डिनेट क्लब, जूनियर ऑफिसर्स क्लब, खास पत्ते खेलने के लिए। हाँ, बार सब का होता है। अच्छा, ये चांदनी बार था भाई उस जमाने का, देख लो यहाँ पे दारू होती थी, डांस वांस होता था, जुम्बा सालसा है, चांदनी बार। ये कौन से पेड़ है भैया? ये जंगली पाम ट्रीज है सर। अच्छा, गर्मी में कैसे रहते हैं? जो ऊपर एक बिल्डिंग दिख रहे सर, ये था आपका चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च। अच्छा, ये चर्च बना आपका 1863 में, 1863।
और नीचे एरिया जो दिख रहे सर आप, ये तो आपका सेक्रेटेरिएट था, सचिवालय एरिया। अच्छा, ये जो भी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुआ था सेकंड ऑल्वर, जब जापानीज ने बॉम्बिंग किया था तब खत्म हो गया 1939, तभी से डिस्ट्रॉय है। उसके बाद 3 साल था जापानीज, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने बनाया नहीं ना। तो सर मोर की आवाज आ रही है, ये हिरन को तो यहाँ पे ला के रिहैबिलिटेट किया होगा ना, तो पहले तो सही नहीं। नीचे जो बिल्डिंग दिख रहे सर, ये तो आपका ये भी एक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च, वो प्रोटेस्टेंट था, एक कैथोलिक था। अच्छा, इसका भी रेनोवेट करके पावर हाउस बना दिया, बोलने सीसी आइलैंड का जो बिजली सप्लाई है यहीं से दिया जाता है। अच्छा, डीजल से? हाँ, डीजल पावर है पूरे अंडमान निकोबार का, सब डीजल से। अंडमान का डीजल बराबर डीजल चलता है, जेनसेट चलता है हमेशा। हाँ, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। 5 नंबर गाड़ी बताइएगा, अभी को पर्सनल लेके आए, अभी को आदर्श किसी को नहीं बैठाएगा, ठीक है सर? आप वापस जा रहे हो क्या? कितनी देर लगेगा उसमें? गाड़ी खराब है सर, कोई भी गाड़ी बैठ सकता है। अब चल रहे हैं लाइट हाउस, वेदर व्यू दिखा देता हूँ तुमको। अभी मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस देखने के लिए, पता नहीं कहाँ दिखेगा, बट चलते जा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे पॉज लिया है क्योंकि मैं यहाँ से एक फोटो एक्सपोर्ट करूँगा आई मूवी के थ्रू, ताकि एक अच्छी फोटो आ जाए, क्योंकि अकेले घूमते हुए फोटो खींचना बड़ा मुश्किल काम है। एक दूसरे एंगल से भी लेता हूँ, देखो तो बहुत सारे एंगल से फोटो निकल सकती है एक्चुअली मेरी। अब जो मुझे आई मूवी में पहले ऐसी फैसिलिटी थी मुझे पता नहीं था। ये देखो हिरन जा रहे हैं, यहाँ पर खिला दोगे इनको कुछ? खिला देते हैं यार इसको, क्योंकि पूरा लाइट हाउस सामने, जिसको मुझे जाके आगे तक वापस जल्दी जल्दी आना है, क्योंकि 45 कोर्ट में वापस पहुँचना है। तो भाई मेरे ख्याल में अगर मैं कार्ट नहीं लेता, पैदल आता तो ऐसी तैसी हो जानी थी। इट वॉज अ गुड डिसीजन टू टेक द कार्ट, अगर ग्रुप हो मेरा सजेशन ये रहेगा कार्ट ले लो भाई, तो अच्छा हो। पर ये भी है कि अगर लंबी ट्रिप के लिए आए हो, पूरी बोट को चार्टर करके 2-3 घंटे रुक सकते हो, देन पैदल घूमो, अदरवाइज वोंट मेक सेंस। ये जी लाइट हाउस, फोटो यहाँ पे मेरी कम हो रही है, इसमें पता नहीं सेल्फ टाइमर वाला ऑप्शन मैंने खुद ही डिसेबल किया था फोटोज के लिए, अब मैं उसको इनेबल नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखता हूँ कोशिश करके, लेट भी हो रहा है, आई हैव टू गो बैक, बट जस्ट लुक एट द व्यू। क्या बोलूँ अब मैं आपको, और सब कुछ तो दिखा दिया, जन्नत दिखा दी घर बैठे बैठे, और क्या बोलें। Thank you.
ये है पीछे लाइट हाउस। अब मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर जहाँ पे मेरी कार ने मुझे छोड़ा था। उस कार में बैठूंगा, नीचे जाऊँगा, बोर्ड की तरफ जाऊँगा क्योंकि 11:45 का टाइम दिया है बेशर्मों की तरह। स्टाइल रग नाम का जो यूट्यूबर है जो 5-10 मिनट लेट आता है उसकी तरह काम नहीं करेंगे, स्टाइल रग ब्लॉग्स की तरह काम करेंगे और टाइम पर पहुँचेंगे। और उसके बाद नॉर्दर्न आइलैंड जाके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाई देगा स्कूबा और सी वॉकिंग और जो भी वहाँ पे होगा बेसिकली। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉग, टाइम टू से गुड बाय टू सोनी क्योंकि वहाँ जाके गोप्रो ऑन होने वाला है एंड पानी के अंदर की चीज़ें दिखाई देने वाली है। सो लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस व्लॉग। सब कुछ दिखा दिया, फोटोज़ भी दिखाई। अच्छा फोटोज़ नहीं दिखाई क्या? नहीं फोटोज़ मैंने ऐड कर दिया, मैंने सोचा था कि क्या, कुछ नहीं सोचा था, अभी थोड़ी सोच रहा कुछ एडिटिंग का अभी दिमाग में चलते चलते ध्यान आया तो ब्लॉग्स के बीच में इसीलिए फोटोज़ भी डाली ताकि अब चीज़ों को फोटोग्राफ्स के थ्रू भी देख सको क्योंकि हर टाइम कैमरा ऑन रखने का थोड़ा मुश्किल काम है। दो दो बैग उठा रखे हैं हाथ में और थकने वाला काम है भैया जी। ठीक है तो अगर मेहनत पसंद आ रही है भाई तो ये लो एक सेकंड, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे चलते हैं ऐसे। समझ रहे हो? फोटो चाहिए मुझे, ये फोटो चाहिए मुझे। शक्ल तो दिखा रही कहीं से भी पर कोई बात नहीं भाई। इस ब्लॉग को वायरल करते जाते हुए एक पैकेट ब्रेड का हाथ में वो किरण को खिला दूंगा। आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। 7 बजे कल दोबारा मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद।